स्पीकर की टीएस पैरामीटर बॉक्स प्लानर में अपलोड करके आपको 3D मैप मिल जाएगा। हेलो नमस्कार, किशोर सावनर कैबिनेट में आज एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि घर में कैबिनेट कैसे बनाएंगे। कैबिनेट बनाने से पहले सबसे पहले आपको प्लाईबोर्ड खरीदना पड़ेगा। आपके पास अगर थोड़ा सा बजट अच्छा हो, क्वालिटी अच्छा चाहिए, तो आप बर्च प्लाई खरीद सकते हो। 8x4 का प्लाई या 5x10 का प्लाई आप लोग खरीद सकते हो। प्लाई खरीद के आप घर में ले आओ। बर्च प्लाई खरीदने का थोड़ा बजट कम पड़ रहा है तो आप लोग इंडियन प्लाई यूज करना। इंडियन प्लाई 4x8 का प्लाई लाना पड़ेगा, और बर्च प्लाई 5x10 का भी मिलता है, 8x4 का भी मिलता है। मैंने कहने का मतलब क्या हुआ, आपको सबसे पहले बर्च प्लाई हो या इंडियन प्लाई हो, आपको प्लाई खरीद के घर में लाना पड़ेगा। जब घर में ले आएंगे तब आपको पटाफट मैंने कटिंग करना नहीं है, उसके बाद में आप कौन सा मॉडल का बॉक्स बना रहे हो पहले उसको आपको ध्यान रखना है, और उसका हिसाब से कौन स्पीकर आपको डालना है उसको आप मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट किस तरह होती है मैं आपको समझा दूंगा एक ही मिनट में। कोई भी स्पीकर विश्व में कोई भी स्पीकर मिलता है, BNC बोलिए आप, RCF, JBL, NLAP, SLV, ATI Pro, Auja, सब जितना भी कंपनी है, Suitone, कोई भी कंपनी हो, विश्व में जितने भी कंपनी आते हैं, नाम खैर मुझे मालूम नहीं है, सब कंपनी का TS पैरामीटर होता है, ठीक है। उसका कंपनी का वेबसाइट में जाके आप लोग TS पैरामीटर चेक कर लो। उसमें डाउनलोड करके एक सॉफ्टवेयर मिलती है बॉक्स प्लानर, ठीक है, बॉक्स प्लानर बोलने वाला सॉफ्टवेयर मिलती है। वो स्पीकर का TS पैरामीटर आप अगर बॉक्स प्लानर में अपलोड कर दोगे, डाल दोगे, तो आपका ऑटोमेटिक बॉक्स सॉफ्टवेयर में बॉक्स बनकर निकल जाएगा। माने एकदम आपका माने 3D एक ठो बॉक्स बनकर रेडी हो जाता है, ठीक है। इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, ऑटोमेटिक बनकर रेडी हो जाता है। मेजरमेंट भी बन गया, प्लाईबोर्ड ले आए आप, आपको अब वेदर प्रूफ, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, तीनों चीज प्रूफ करना है। माने आपको जो कैबिनेट बन जाएगा रेडी, माने मिस्त्री कटिंग करके या आप खुद कटिंग करके बना लोगे, तो आपको इस तरह का पेंट करना है जिसमें आपका वेदर प्रूफ भी हो, वाटर प्रूफ भी हो सके, जितना हो सके फायर प्रूफ का भी कोशिश करिएगा। उसमें जब आप लोग पेंट करोगे, पेंट में फंक्शन मिलते हैं, अभी आगे तो था नहीं, अभी वो फंक्शन मार्केट में मिल जाता है, जो जितना भी प्रूफ मार्केट में मिलता है सब प्रूफ आप लोग अपना कैबिनेट में यूज किया जाए। आपका कैबिनेट एनी टाइम जितना हो सके लाइट वेट में बनाइएगा, क्योंकि इसमें कमर्शियल प्लाई यूज किया जाता है, वाटरप्रूफ प्लाई नहीं भाई, प्लाई यूज करना पड़ेगा आपको कमर्शियल प्लाई। बॉक्स प्लाई एक ही मिलता है, वो कमर्शियल बोले, वाटरप्रूफ बोले, उसको 3 महीना पानी में डुबा के रखो तब भी कुछ नहीं होता, उसी तरह बनाता है वाटरप्रूफ प्लाई का। सिंपल भाषा में मैं और एक चीज में इसको थोड़ा साइड किनार दरकिनार रखता हूँ, अब फिर सिंपल वाटर प्रूफ किसे कहते हैं, वाटर प्रूफ हम लोग का भारतीय भाषा में वाटर प्रूफ प्लाई में रेड हार्ड कोर दिया जाता है, इसको लाल लाल पट्टी जिसमें डाला जाता है, ठीक है, रेड हार्ड कोर दिया जाता है, उस प्लाई को हम लोग वाटर प्रूफ प्लाई कहते हैं। किंतु बर्च प्लाई एकदम उजला सफेद होता है, उसमें रेड हार्ड कोर मटेरियल नहीं होता है, समझ गए, वो भी वाटर प्रूफ ही होता है बर्च प्लाई, किंतु उसको तब भी हम लोग वाटर प्रूफ नहीं बोलते हैं, वो दूसरा मटेरियल से बनता है, उसको बेस्ट क्वालिटी से, इसीलिए रशियन बर्च प्लाई हम लोग कैबिनेट के लिए यूज करते हैं। इंडियन प्लाई आप कभी भी यूज करोगे तो कमर्शियल प्लाई यूज करो, कमर्शियल भी सस्ता वाला 20-30 रुपए वाला कमर्शियल नहीं, कम से कम बेस्ट क्वालिटी का। सबसे अच्छा आप लोग यूट्यूब में गूगल में सर्च कर लेना, बेस्ट कमर्शियल प्लाई इन इंडिया बोल के सर्च करने से आपका ढेरी बर्च प्लाई, इंडियन प्लाई, अच्छा क्वालिटी का प्लाई, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ टॉप 5 प्लाईवुड इन इंडिया बोल के, मेरा पुराना वीडियो में आप लोग देख सकते हो। आप लोग कहीं से कैबिनेट खरीदते हो या खुद बनाते हो, क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर जब तक क्वालिटी में आप लोग ध्यान नहीं दोगे तब तक आपका साउंड अच्छा नहीं बजेगा। आप लोग अगर साउंड बॉक्स बना नहीं पा रहे हो तो जितना मैं बोला हूँ ये सब फॉलो करने, मार्केट से भी कैबिनेट खरीद सकते हो, ठीक है। क्वालिटी भी होना पड़ेगा, लाइट वेट भी होना पड़ेगा, वाटर प्रूफ भी होना पड़ेगा, फायर प्रूफ भी होना पड़ेगा, वेदर प्रूफ भी कुछ होना पड़ेगा, जितना आप लोग जहाँ जब भी मार्केट। और सबसे बड़ा TS पैरामीटर का बात बोल चुका हूँ, अब बात आया अगर आप लोग घर में ही ना, हम नहीं खरीदेंगे, अब घर में बनाएंगे, किशोर भाई तो सिखा दिए कैसे बनता है।
इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? अगर आप पैसे वाले हो तो आप लोग सीएनसी राउटर यूज कर सकते हो, बड़ा वाला सीएनसी राउटर यूज कर सकते हो। वो मिनिमम प्राइस 3-4 लाख रुपया से शुरू होता है और मैक्सिमम पर बातें छोड़ दीजिए, राम राम बोल के छोड़ दीजिएगा। और नहीं तो आप लोग एक तो छोटा सा राउटर भी, मिनी राउटर जिसको बोला जाता है, छोटा सा राउटर, मैं इसमें फोटो डाल दूंगा इधर में, छोटा सा राउटर आप लोग यूज कर सकते हो, करने में काम आ जाएगा। और एक जितना एक काट मिस्त्री को जितना चाहिए ना काम करने के लिए, सेम काट मिस्त्री का तो काम है ये, जो कोई फर्नीचर बनाने वाला मिस्त्री को जो मटेरियल काम करने के लिए चाहिए वो सभी चाहिए। एक कटर मशीन चाहिए, एक मिक्सर चाहिए, और बंगला में हम लोग का इंग्लिश में मालूम नहीं है, बंगला में रंधा मशीन बोला जाता है उसको, जो इलेक्ट्रिक से उसको मैंने एकदम प्लेन किया जाता है ना, प्लेनर प्लेनर मशीन प्लेनर ऐसा कुछ बोलता है, मन कुछ भी बोले उसको, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वो सब लेके आप लोग अच्छा कैबिनेट बना पाओगे, ठीक है भाई। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो भाई कमेंट करिए, अपना भाई आपका खातिर में हाजिर है। राम राम, दूसरा वीडियो मिलेंगे, नमस्कार।